नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में उन 50 शेयरों पर चर्चा करेंगे, खासतौर पे जिसमें आज काफी ज्यादा हलचल देखने को मिली है। और अगले 3 घंटों में इन 50 शेयरों में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन बाजार देखिए कहीं ना कहीं आज एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मजबूती हमने देखी थी शुरुआत में, लेकिन बाद में थोड़ा रिकवर हुआ, वापस अभी 10 अंक गिरावट देखने को मिली। कल हमने देखा था एक अच्छी खासी रैली सेकंड हाफ में देखने को मिली थी। 7700 के ऊपर लगातार टिकने की कोशिश कर रहा है बाजार। लेकिन अगले आधे घंटे में हम किन बड़े मुद्दों पर बात करेंगे, कौन से ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर होंगे जिस पर हमारी खास तौर पर नजर होगी और आपको भी इस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज हम ट्रांसफॉर्मर शो में बात करेंगे, इसके अलावा रेलवे शो में देखिए आज काफी दिनों के बाद एक तेजी आती हुई दिखी है। तो रेलवे शोरों पे खास तौर पे हमारी नज़र होगी और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको इन रेलवे शोरों की तेजी में निकलना चाहिए या रुकना चाहिए। एडीएजी शोरों में देखिए आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज के ट्रेड में तमाम एडीएजी स्टॉक्स में तेजी है। इसके अलावा कुछ एक ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जिसमें कि लगातार तेजी देखने को मिल रही है, हालांकि उसकी चर्चा काफ़ी कम होती है। कुछ और स्टॉक्स बात करें तो कुछ एक ऐसे शेयर बात करेंगे हम जिसमें जिनकी कीमत 20 रुपये से कम है, लेकिन उसमें जोरदार रिटर्न देखने को मिल रहा है, इन शेयरों में रहना चाहिए या तेजी केवल निकलने का मौका है। ट्रांसफॉर्मर शेयर एक बार फिर से तेजी लौटती देखी है, पूरे सेक्टर में खरीदारी है। इन शेयरों में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या कोई ऐसा शेयर है जिसमें खरीदारी करनी चाहिए? और आखिर में बात करने की कोशिश करेंगे पतंजलि की जो बिक्री बढ़ी है उसका असर एफएमसीजी कंपनियों पर कितना ज्यादा निगेटिव होता हुआ दिख रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं ट्रांसफॉर्मर स्टॉक से, जिसमें आज के ट्रेड में देखिए एक अच्छी रैली देखने को मिली। तमाम ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स देखिए, चाहे वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर हो, इंडोटेक हो या ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स हो, आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। जब भी इस सेक्टर में खरीदारी आती है एक साथ इन तीनों शेयरों में खरीदारी देखने को मिलती है और वॉल्यूम में भी हमेशा इजाफा होता हुआ दिखता है। आज के जानकार हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल जुड़ चुके हैं। मुदित जी, शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। जिस तरह से हमने देखा कि आज ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, इन तीनों स्टॉक्स जिसके मैंने बात की, वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स और इंडोटेक, कोई पसंद होगा आपको इसमें से? बिल्कुल मनीष, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर पर बात करूंगा। स्टॉक में एक 310 रुपये का ईयरली हाई बनाता है और वहां से मार्केट की करेक्शन में स्टॉक में अच्छा करेक्शन देखने को मिला और उस करेक्शन में स्टॉक में 200 रुपये तक की डाउनसाइड देखने को मिले। मार्केट जैसे जैसे संभला स्टॉक ने एक रेंज बनाया और उस रेंज में स्टॉक में एक पेनेंट पैटर्न बनाता, उस पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। लास्ट वीक मैंने भारत बिजली पे दाव लगाया था और 870 के टारगेट दिए थे और आज के सेशन में वो टारगेट लगे हैं। मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मर यहाँ से एक अच्छे अपमूव दिखा सकता है। मुझे लगता है यहाँ से जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करके चल सकता है। 265 रुपये की अपसाइड मुझे लगता है आने वाले एक हफ्ते के अंदर उस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स एक शेयर होगा जो ट्रांसफॉर्मर सेक्टर से जो मुदित जी को पसंद है, उनको लगता है कि यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। 265 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है और आज भी देखिए अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। आज रेलवे शेयर में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तमाम रेल स्टॉक देखिए, चाहे टीटागढ़ वैगन हो, कनेक्स माइक्रो सिस्टम हो, इसके अलावा टैक्स मैको रेल हो, कंटेनर कॉर्पोरेशन, स्टोन इंडिया जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। रेलवे स्टॉक्स में जिस तरह से हमने मोदी जी खरीदारी देखी और काफी समय के बाद हमने इस तरह की खरीदारी देखी है, कोई आपका पसंदीदा शेयर होगा या आपको लगता है कि नहीं ये तेजी केवल निकलने का मौका है? बिल्कुल मनीष, यही कहूंगा। अगर हम बात करें टीटागढ़ वैगन, कर्नेक्स रेलवे सिस्टम की, तो ये स्टॉक्स में जो भी बाउंस बैक हम देख रहे हैं, मुझे लगता है इन स्टॉक्स में जो भी अपसाइड मूव देखने को मिले उनको एग्जिट करने के लिए यूज करना चाहिए। लेकिन एक स्टॉक है कंटेनर कॉर्पोरेशन, जिस स्टॉक को मैं लगातार बीते कई टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, स्टॉक में एक अच्छी डाउनसाइड देखने को मिली। डाउनसाइड के बाद स्टॉक में एक रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है और उस कंसोलिडेशन का आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है यहाँ से नई एंट्री स्टॉक में बनी है और नियर टर्म में अच्छे अपसाइड मूव, करीब 1320 से 1350 तक की अपसाइड मूव स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो सलाह ये दूंगा जिसके पास पोजीशन है होल्ड करिए और नया भी निवेश करना चाहता है तो कंटेनर कॉर्प में नया निवेश कर सकते हैं। तो कहने कंटेनर कॉर्पोरेशन एक शेयर होगा जो उनको पसंद है। याद रखिए कंपनी को रेलवे के अलावा जो लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में भी आती है और दोनों सेगमेंट में जब भी तेजी आती है तो कंटेनर कॉर्पोरेशन में तेजी देखने को मिलती है। मोदी जी को लगता है कि शेयर में तेजी और भी देखने को मिल सकता है, आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। आज एडीएजी स्टॉक्स देखिए, यहाँ भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तमाम स्टॉक्स देखिए, चाहे रिलायंस कैपिटल हो, रिलायंस डिफेंस, वैसे डिफेंस पूरे सेक्टर में खरीदारी देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। लेकिन रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये तमाम स्टॉक्स देखिए एडीएजी स्टॉक्स ने अभी तक रैली में बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं की है। खास तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं देखी है। इन पाँचों स्टॉक्स में कोई स्टॉक आपको पसंद है? बिल्कुल मनीष, रिलायंस कैपिटल पे दाव लगाना चाहूंगा। स्टॉक में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और ये एक बुलिश पैटर्न है और जिसका ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में देखने को मिला है। एक जो चीज़ मुझे चार्ट्स पर अभी इन लेवल्स पर जो खटक रही है,
385 का ब्रेकआउट, क्योंकि वहां पर चार्ट्स पर 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर कहीं भी हमें किसी भी उछाल में 385 का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मुझे लगता है 410 से 415 रुपए तक की अपसाइड मूव रिलायंस कैपिटल में देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक होगा रिलायंस इंफ्रा। इसके लिए सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, ये स्टॉक हमने अपनी कंपनी में रिकमेंड किया है तो हो सकता है किसी क्लाइंट के पास पोजीशन हो, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो अच्छा एक अपमूव देखने को मिला और उस अपमूव के बाद एक रेंज में कंसोलिडेशन। इस पूरी पैटर्न को बोलते हैं एक बुल फ्लैग पैटर्न और उसका ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में देखने को मिला है तो मुझे लगता है नियर टर्म में स्टॉक में करीब 550 और 560 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो कहने के रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल दोनों स्टॉक जो है कहने के मुदित को पसंद, उनको लगता है रिलायंस इंफ्रा में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। जबकि रिलायंस कैपिटल की बात करें वहां उनको लगता है कि 385 के ऊपर अगर टिकता है तो और मजबूती देखने को मिल सकती है, 410 रुपये तक का लक्ष्य वो मान के चलते हैं रिलायंस कैपिटल में। लेकिन आज बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी जो है थोड़ी मुनाफा से देखने को मिली शुरुआती कारोबार में, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, बैंक निफ्टी देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। सुबह शुरुआत जब हुई थी तो बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा दबाव था, हालांकि पीएनबी अभी भी जो है कमजोरी ही दिखा रहा है। इसके अलावा एसबीआई में देखिए गिरावट देखने को मिली। आईडीबीआई बैंक अगर एफएनओ साइड में देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर का सबसे ज्यादा लूजर है। आईसीआईसीआई बैंक में देखिए दबाव देखने को मिला, हालांकि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कुछ पॉजिटिव खबरें आई हैं और उसका असर देखने को मिल सकता है पूरे बैंकिंग सेक्टर पे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उशांक सेठ जुड़ चुके हैं। उशांक, जिस तरह से खबर निकल के आ रही है कि अब 8 से 10 मजबूत बैंक बनेंगे, किन बैंकों का मर्जर किया जा सकता है? अभी हमारे पास जो सूत्रों के अनुसार खास इन्फॉर्मेशन मिली है, ये बेसिकली बैंकिंग सोर्सेज है जो अपना नाम नहीं कोट करवाना चाहते थे, उनके हिसाब से आईडीबीआई बैंक जो एक बड़ी बैंक है, देश की बैंक, वो कंटिन्यू करेगी ऑटोनॉमस बैंक की तरह फंक्शन करने के लिए। पर जो स्मॉलर बैंक्स है, जैसे कि आप पकड़ लीजिए विजया बैंक है या फिर इंडियन बैंक है, जहाँ पर परफॉर्मेंस अभी भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, दे कंटिन्यू टू बी प्रॉफिट मेकिंग, वहाँ पर एनपीएस के कंसर्न्स इतने एग्रेवेटेड नहीं है, उनका परफॉर्मेंस रिलेटेड इतने कंसर्न्स नहीं है, रादर वो बैंक्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट कर सकती है और वहां पर ये छोटी बैंक्स विल कंटिन्यू एज अ सेपरेट एंटिटी। इनफैक्ट जानकार मानते हैं कि एक स्पेशल इन बैंकों के थ्रू स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड बैंक्स भी क्रिएट की जा सकती है जो फोकस करेंगे कोर एरियाज या कोर फंक्शंस के ऊपर। एडिशनली जो छोटी बैंक्स जो बड़ी बैंकों के साथ मर्ज की जाएंगी, मेनली वहां पर क्राइटेरिया होगा उनका ज्योग्राफिकल परफॉर्मेंस, एक तरीके से उनका जो स्प्रेड है वो भी कंसिडर किया जाएगा, और फाइनली जो वीकर बैंक है उनको बड़ी बैंक्स के अंदर कंसोलिडेट किया जा सकता है या फिर मर्ज किया जा सकता है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, देना बैंक हो गया, अब क्वार्टर थ्री परफॉर्मेंस ही देख लीजिए, वहाँ पर इनका ओवरऑल ग्रॉस एनपीए के कंसर्न्स काफ़ी हद तक बढ़कर दिखाई पड़े थे। इनफैक्ट इनके लॉसेस भी काफ़ी मेजर थे, ग्रॉस एनपीएस की हमने बात की यहाँ पर। इन तीनों बैंक के फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ले लीजिए, 9.5 से 12.5% तक ग्रॉस एनपीएस बढ़कर नजर आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स इन बैंकों के ऊपर दिखाई पड़ रहे। कहीं ना कहीं जो है ये एक पॉजिटिव फल होता हुआ दिखे, वैसे भी देखिए लगातार इस तरह की खबरें पहले भी आती रही है और इस खबरों का असर कई बार पॉजिटिव भी देखने को मिला। जिन बैंकिंग स्टॉक्स से अभी देख रहे हैं मुदित, हम चाहे एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आईडीबीआई, आपको कोई पसंदीदा बैंक स्टॉक आपको लगता है कि यहां से तेजी में खरीदारी करनी चाहिए, जो आज गिरावट देखने को मिली है उसमें खरीदारी करनी चाहिए, सरकारी बैंक में कोई एक शेयर जो आपको पॉजिटिव लग रहा हो? बिल्कुल मनीष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक, इस पर दाव लगाऊंगा। स्टॉक में मार्केट की करेक्शन में पार्टिसिपेट किया और ईयरली लोज स्टॉक में बनते हुए नजर आए, जैसे जैसे निफ्टी और मार्केट्स ने रिकवरी दिखाई है स्टॉक में भी उसी तरह का, और मैं बात करूं तो बैंकिंग इंडेक्स में पिछले कई दिनों में 10 से 15% के अपसाइड मूव देखने को मिले, साथ ही साथ सिमिलरली एसबीआई जैसे काउंटर में भी उतनी परसेंट से अपसाइड मूव देखने को मिला है। चार्ट स्ट्रक्चर इन लेवल पर पॉजिटिव है और कहीं भी नियर टर्म में 215 रुपये से पहले कोई रेजिस्टेंस मुझे नहीं आता, तो मुझे लगता है कोई भी करेक्शन अगर यहां से देखने को मिलती है खरीदारी का मौका होगा, 210 से 215 के अपसाइड मूव जल्द स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी मुझे जैसे जैसे आप एसबीआई की जिक्र कर रहे हैं, शेयर जो है हर निशान में आता हुआ दिख रहा है, आप कहने की रिकवरी देखने को मिले, लेकिन आपने एसबीआई आपको पसंद है सरकारी बैंकों, प्राइवेट बैंक में कोई पसंद है? बिल्कुल मनीष, इंडसइंड बैंक पे दाव लगाना चाहूंगा। सिमिलरली जैसे जैसे मार्केट में रिवर्सल्स हुए, टेक्निकल चार्ट्स पर भी अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिले और इंडसइंड बैंक जैसा काउंटर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ नजर आया, नियर टर्म में अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा अगर तेजी की मैं बात करूं, जैसे ही स्टॉक में 940 रुपये का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और कहीं भी स्टॉक 1000 और 1020 तक की अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो यही सलाह दूंगा, किसी के पास पोजीशन है बने रह सकते हैं, नया निवेश करना चाहते हैं तो प्राइवेट बैंक में मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा
ज्यादा ये स्टॉक है। तो कहने का एसएमसी ग्लोबल की दो स्टॉक्स पे रहा बैंकों में, उनको बेसिकली पसंद है, खरीदारी करके चलिए, मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक होगा जहां पे तेजी देखने को मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर में एक बैंक है जो पसंद है, उनको लगता है कि यहां और भी मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे कुछ एक ऐसे स्टॉक्स की आप बात करते हैं जिसमें आज तेजी तो है लेकिन इसकी चर्चा बहुत कम देखने को मिलती है, सुप्रीम इंफ्रा, इंडिगो रेमेडीज। हालांकि इंडिगो रेमेडीज में कुछ पॉजिटिव खबर थी, उसका असर देखने को मिला, लेकिन सुप्रीम इंफ्रा देखिए, एक्सेल इंडस्ट्रीज देखिए, सांगी इंडस्ट्रीज देखिए, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज देखिए, खासतौर पर सुप्रीम इंफ्रा और सांगी इंडस्ट्रीज लगातार हमने शो में चर्चा की और लगातार देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा देखिए बिमल ऑयल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सिरपुर गोल्ड, एचबीएल पावर, एलेम्बिक। आपका कोई पसंदीदा शेयर? मनीष, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर दाव लगाना चाहूंगा क्योंकि अगर इसका पीयर एनालिसिस देखें, सीएट, जेके टायर, एमआरएफ, इन सभी काउंटर्स में अच्छी रैली देखने को मिल रही है और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक ऐसा काउंटर था जिसमें अभी तक कोई अपसाइड मूव नजर नहीं आए थे। आज के सेशन में एक अच्छे अप मूव देखने को मिले, साथ के साथ आज के सेशन में जो अच्छी चीज चार्ट्स पर नजर आई, स्टॉक ने अपने 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा है और उसके ऊपर लगातार ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, यहां से एक अच्छे अप मूव स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है नियर टर्म में 690 से 700 रुपए तक की अपसाइड मूव बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। तो कहने के बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में अभी भी और भी तेजी देखने को मिल सकती है, 700 रुपए तक लक्ष्य आता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा दो स्टॉक्स और जानना चाहेंगे, इसमें क्या करना चाहिए। सुप्रीम इंफ्रा देखिए, लगातार पिछले अगर 10 दिनों का चार्ट देखेंगे, लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिला, छोटे बझोले इंफ्रा स्टॉक्स में खरीदारी थी और सुप्रीम इंफ्रा में देखिए पिछले कुछ दिनों बड़ी तेजी देखने को मिली, अभी भी देखिए लास्ट के आधे घंटे में तेजी देखने को मिली। इसके अलावा सांगी इंडस्ट्रीज देखिए, यह शेयर भी जो है लगातार पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है। इन दोनों शेयरों पे क्या राय होगी आपकी? मैं सबसे पहले सुप्रीम इंफ्रा पे बात करूंगा। स्टॉक में एक रेंज बना हुआ था, एक अच्छे करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रेंज था, लोअर साइड में कहीं ना कहीं 70 रुपये और अपर साइड में 78 रुपये, इस रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था और आज के सेशन में उस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है यहां से जो अपसाइड मूव, जो आज का हमने अपसाइड मूव देखा है, ये अभी आगे बरकरार रह सकता है और कहीं ना कहीं 95 रुपये तक की अपसाइड मूव इस स्टॉक में मुझे नजर आती है। तो सुप्रीम इंफ्रा में और भी तेजी देखने को मिल सकती है, 95 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। कुछ एक और स्टॉक्स देखिए, हालांकि मुझे लगता है कि इसमें से कई सारे स्टॉक्स होंगे जो आपको पसंद भी नहीं होंगे और अवॉइड करने की सलाह देंगे, ये कीमत में 20 रुपये से कम के हैं। कल भी हमने कई सारे स्टॉक्स ऐसे देखे थे जिसकी कीमत 10 रुपये से कम थे और किरण ने उसमें तमाम शो में कहा था कि आप इसमें से निकले, उसमें से कई शेयर आज गिरे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ एक स्टॉक्स देखिए जो 20 रुपये से कम की कीमत के, लेकिन आज तेजी देखिए, बीएल कश्यप, आसाम कॉर्पोरेशन, देखिए ये चाय का आवाज़ जुड़ी हुई आसाम कॉर्पोरेशन, रोहित फेड़ो, जेपी पावर, डिग्जम, ये पाँच स्टॉक्स देखिए इसमें आज के ट्रेड में हम एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बहुत अच्छी मजबूती दिख रहे हैं। सबसे पहले इन पाँच शेयरों की बात करते हैं, खासतौर पर क्या रहा होगी, इसमें से कोई शेयर आपको पसंद है या आप कहेंगे कि नहीं ये तेजी है निकलिए? देखिए मनीष, सबसे पहले तो यही कहूँगा, ये पैनी स्टॉक्स होते हैं और इन स्टॉक्स में जब तक पार्टी हमें देखने को मिलती है वो पार्टी एंजॉय करनी चाहिए, जैसे ही करेक्शन स्टार्ट हो सबसे पहले इन स्टॉक्स से एग्जिट होना चाहिए। तो डेफिनेटली यही कहूँगा, मार्केट में तेजी है और इन स्टॉक्स में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल रहा है तो आप एंजॉय कर सकते हैं। आसाम कंपनी पर दाव लगाना चाहूँगा, स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है और अपसाइड टारगेट कहीं ना कहीं 7 रुपये के आसपास निकल कर आते हैं। मैं बस अपने डिस्क्लेमर में एक चीज़ और कहूँगा, 7 रुपये मैंने बताया है, 6.5 रुपये से लेकर 7 रुपये की रेंज में कहीं भी स्टॉक लेवल टेस्ट करता है आप एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, कम से कम मुझे तो आपने एक स्टॉक पसंद किया जो 10 रुपये के या 5 रुपये के आसपास टेयर का आपको लगता है कि थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है आसाम कॉर्पोरेशन में। वैसे भी देखिए आसाम कंपनी में, वैसे भी देखिए चाय और से जुड़े जो शेयर है चाय कॉफी में, उसमें एक तेजी देखने को मिले। कुछ एक और छोटे स्टॉक्स पांच फटाफट हम ले लेते हैं, ISMT, कैस्टेक टेक्स। कैस्टेक में हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ दिनों में मजबूती देखने को मिली, एमटेक ग्रुप से जुड़ी कंपनी। इसके अलावा उषा मार्टिन, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और ऑक्स ऑप्टिफाइबर, इन तमाम शो में देखिए वॉल्यूम में भी एक इजाफा देखने को मिला आज के ट्रेड में और सारे शो में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसमें कोई पसंद आपका शेयर? मनीष, उषा मार्टिन पर दाव लगाऊंगा, स्टॉक में अच्छी करेक्शन के बाद ईयरली लो, ऑल टाइम लो जैसे लेवल्स टेस्ट हुए वहां से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और उस रिकवरी में स्टॉक में अपने 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा है और लगातार ये स्टॉक उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है यहां से एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और 14 रुपये का लेवल स्टॉक के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहां पर चार्ट्स पर 200 दिन का DMA है और अगर उन लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉक सस्टेन कर पाता है तो डेफिनेटली 18 रुपये तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। बस यही कहूंगा यहां से केवल 14 रुपए के लिए हम दाव लगाएंगे, अगर क्लोजिंग बेसिस पर वो लेवल सस्टेन्ड होता है तभी पोजीशन को कैरी करेंगे, अदरवाइज 14 रुपए के आसपास हम एग्जिट करेंगे। तो कहने के 14 रुपए तक अगर आता है तो आप इसको उषा मार्टिन में ट्रेड कीजिए, वरना आप उससे निकल जाइए। इसके अलावा आसाम कंपनी में उन्होंने थोड़ी सी मजबूती, उनको लगता है कि वहां तेजी देखने को मिल सकती है। तो कई सारे हमने छोटे मझोले शेयरों की बात की, कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स की बात की।